अच्छा ओके, तो बेटा आज का जो क्वेश्चन पेपर है सेक्शन बी से दिया, फिर आई सेम बात है कि इसका सेक्शन ए कभी देते नहीं है, क्यों नहीं देते हैं वो कभी कुछ पता चल जाएंगे कौन सा सैंपल पेपर से दिया, ठीक है ना, ऑनलाइन में गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, तो इसीलिए हम ये करते हैं। ओके, तो 21 जो pH ऑफ टू सैंपल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, अभी तो नॉर्मली यूज़ नहीं करते कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी मौसम चल रहा है, ठीक है, ए एंड बी, बिकॉज जब मार्च के महीने में एग्जाम होता है तब तक तो यूज़ होते हैं, 2 and 5 व्हिच इज मोर अनहेल्दी, तो ऑलवेज, हाँ ठीक है, वो तो रीजन जरूर लिखिएगा, 2 marks का क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। उसके बाद CuSO4+Fe, AbSO4+Cu, AbSO4+ ZN, ZnSO4+Fe ऑन द बेसिस ऑफ द अबव रिएक्शन इंडिकेट व्हिच इज मोर रिएक्टिव एंड व्हिच इज लेस रिएक्टिव, कौन ज़्यादा कौन लेस, अच्छा ठीक है ये भी तुम लोग सॉल्व करिए। उसके बाद 27 के फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज मीन बाय द स्टेटमेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 1 volt, 1 volt का डेफिनेशन लिख दिया, घुमा के क्वेश्चन पूछा। व्हाट डू द सिंबल गिवन रिप्रेजेंट इन ए सर्किट राइट वन फंक्शन ऑफ इच, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिए, कभी कहो 22nd क्वेश्चन थोड़ी बड़ी टाइप का, सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बाद 1 1 फंक्शन भी देना है, ठीक है ना। हाँ जी सर, अभी वो बताएगा, बताया जाएगा, हाँ कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन बोला जा रहा है, इसके बाद आंसर भी बोला जा रहा है। रियोस्टेट का फंक्शन बुक में दिया है, नहीं दिया तो फिर बताया जाएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 0.0 वायर ऑफ 0.01 centimeter रेडियस इज 10 ohm, ये तो जानते हो, रियोस्टेट मान लो क्या वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, मैं बता ही देता हूँ, नहीं तो क्या होगा, जहाँ मान लो कि तुम्हें करंट को कम ज़्यादा करना है, ओके, पासिंग करंट कम ज़्यादा करना है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, रियोस्टेट करते हैं। करंट मान लो कि कम कराना है तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, ठीक है ना, क्लियर, वो चीज़ होती है, रेगुलेटर का काम करते हैं, जैसे हम लोग का रेगुलेटर वगैरह होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिया गया था 0.1 centimeter रेडियस इज 10 ohm, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज 5 × 10⁻¹ ohm, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, साइंस में मान लो तुमने 3 questions अटेम करो इस टाइम में, प्रैक्टिस वाले में 3 questions अटेम करो तो 3 में फुल मार्क्स मिलना चाहिए, ये होना बात, ठीक है बेटा। मान लो तुमने सेक्शन बी का जो 3 questions मान लो सपोज किया, 3ों में फुल मार्क्स मिलना चाहिए, तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस ये हो, नंबर काटना नहीं चाहिए, ओके। और जैसे क्वेश्चन रीड हो जाएगा उसके बाद ही कॉपी चेक करूँगा। जिन लोग ऑनलाइन हो बाद में भी तुम सेंड करो कोई बात नहीं, लेकिन करेक्ट आंसर होना चाहिए, अच्छा ओके। नेक्स्ट इज जो दिया कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तो फेजेस वाले पार्ट जो है ये तो 12th class में है, अभी 10th में नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेनोपॉज एंड मेनार्की, ओके ये तो है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेजेस तुम लोग के में नहीं है, ओके। अच्छा ओके, तो 23 का बी पार्ट तो तुम लोग को करना है। 24, व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द फोटोट्रॉपिज्म, ये तो करेक्ट वे में लिखिएगा। सेकेंड पार्ट उसका जो और पार्ट है, राइट एन एक्टिविटी टू शो फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म, तो दोनों क्वेश्चन नियर अबाउट सेम ही रहेगा, जियोट्रॉपिज्म को अलग से बताना है, ओके। व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट शोन बाय द मिमोसा प्लांट लीव्स व्हेन अटैच्ड विद ए फिंगर, ठीक है ओके, सही लिखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया जो बहुत ईजी है, व्हाट टाइप नेम द पार्ट्स ABC इन शोन इन द डायग्राम स्टेट 1 function ऑफ इच, कल भी हो गया था ये, बोलो। इन वन ऑफ इज एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट्स मेंडल ऑब्जर्व दैट व्हेन ए प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ प्योर डॉट पी प्लांट इन द फर्स्ट जनरेशन F1 ओनली टॉल प्लांट्स अपीयर, व्हाट हैपेंस टू द ट्रेट ऑफ द डॉट प्लांट इन दिस केस, व्हेन द F1 जनरेशन प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड ही ऑब्जर्व दैट इन द प्लांट्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन F2
बोथ टॉल एंड ड्रॉट पॉइंट प्लांट्स आर प्रेजेंट, व्हाई इट हैपेंड एक्सप्लेन डीपली। तो इसके मतलब सेक्शन बी का आंसर करना है। सेक्शन सी का भी बता देता हूँ, कोई क्वेश्चन मतलब यह तो मैं बताता हूँ। व्हेन यू मिक्स सोडियम सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम हाइड्रेट, व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, नेम द कंपाउंड इन्वॉल्व, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो बुक में है नहीं, क्वेश्चन है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और नहीं पूछ रहा है। व्हाई इज फ्यूल ऑयल कंसीडर्ड ए बेटर फ्यूल देन कोल इन इंडस्ट्रीज, गिव एनी थ्री रीजंस। ये जो फ्यूल ऑयल कहाँ से भी दिया बेटा, हाँ तो ये वाला तो मुश्किल है, उसे आगे और पार्ट को कर दो कि एक्सप्लेन एलोट्रोपी इन कार्बो, उसको एक्सप्लेन कर दो बिकॉज 28 वाला तो नहीं होगा। एक्सप्लेन वेदर एन अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज प्लेस्ड इन ए फील्ड एट रेस्ट, इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइन्स, इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन्स। ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। फोर्स जो है ना बेटा, हाँ उसमें एक्चुअली क्या होता है देखो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ए बी कॉस टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ओके, इस फॉर्मूला से तुम लोग को कुछ क्वेश्चन को एनसीईआरटी में एक्टिविटी टाइप का है, ये होता है चार्ज, ये होता है वेलोसिटी, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला होता है एंगल। ये जो ये वाला क्यू होता है चार्ज, वी होता है वेलोसिटी, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड और ये होता है एंगल का थीटा। तो अभी यहाँ पे चार्ज तो है ही, वेलोसिटी जब जीरो होगा फोर्स भी जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तब भी जीरो होगा, और मतलब साइन थीटा, थीटा जीरो है पैरेलल में, थीटा जीरो होती है तो उस केस में तो जीरो होगी, और मान लो कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन थीटा वन हो जाएगा, देन वहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगी। ठीक है ना, क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, इट प्लेस्ड इन ए फील्ड एट रेस्ट, रेस्ट मतलब भी जीरो है तो फोर्स जीरो है, इट मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल होगा तो क्या होगा, थीटा जीरो होगा तो फोर्स जीरो है, परपेंडिकुलर होगा तो उसको फोर्स लगेगा। ठीक है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर्स, वो तो लिख लोगे। व्हाई इज टंगस्टन यूज फॉर फिलामेंट इलेक्ट्रिक लैम्प, मैंने उस टाइम पे उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बताया था, कैसे याद रखते हैं। टेन है ना, ओके गुड। उसके बाद व्हाई इज लेड टिन अलॉय यूज फॉर फ्यूज वायर, लेड और टिन तुम लोग का दिया हुआ बुक में, सोल्डर बोला जाता है, सोल्डर लिखा होगा देखो तुम्हारे बुक। अच्छा, 31 मेंशन द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स, ये तो पता ही है। गिव ए स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा ये वाला डायग्राम भी बुक में दिया हुआ है। ओके, कैपिलरीज का बाद ब्लड का कलर भी लिख देना किस तरफ क्या है। ओके, ठीक है, तो ये वाला बता दिया क्वेश्चन।